हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू वेल्डिंग। तो दोस्तों, वेल्डिंग से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे इस वीडियो में हम। अगर आप एक मैकेनिकल फिटर हैं, वेल्डर हैं, या फिर फैब्रिकेटर हैं, या फिर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर तो बिल्कुल मालूम ही होने चाहिए। तो इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है आपके लिए, और एक क्वेश्चन लास्ट में आपसे पूछूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट करके देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज वेल्डिंग। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर वेल्डिंग क्या होता है। तो वेल्डिंग एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, और उसके लिए या तो हीट का प्रयोग किया जाता है या फिर प्रेशर का। हीट यानी कि होता है ऊष्मा, और प्रेशर यानी कि होता है दाब, या फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके दो या दो से अधिक मेटल पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, और इसे ही कहा जाता है वेल्डिंग। वेल्डिंग हमको परमानेंट जॉइंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग पोजीशन। आपको वेल्डिंग पोजीशंस के बारे में बताना है। अगर आप वेल्डर हैं तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। तो वेल्डिंग पोजीशंस चार होते हैं, फ्लैट पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर सबके ऊपर में लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट वाला जो डायग्राम है आपका, वो फ्लैट पोजीशन का है, सेकंड आपका है हॉरिजॉन्टल पोजीशन का, थर्ड वर्टिकल का है, और फोर्थ जो है वो ओवरहेड पोजीशन का इमेज है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। आपको वेल्डिंग जॉइंट्स के टाइप्स के बारे में बताना है। तो वेल्डिंग जॉइंट्स कुछ इस तरह के होते हैं। पहला है बट जॉइंट, दूसरा है लैप जॉइंट, तीसरा है कॉर्नर जॉइंट, चौथा है एज जॉइंट, जबकि पांचवा है टी जॉइंट। तो ये पांच प्रकार के जो होते हैं वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, आप यहाँ पर डायग्राम में आराम से देख करके समझ सकते हैं। पहला वाला जो है वो बट जॉइंट है, जिसमें दोनों के बीच में वेल्डिंग हुआ है, और बाकी सब भी आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्लेम एंड इट्स नेम इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग के बारे में मैंने अच्छे से वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। यहां पर हम गैस वेल्डिंग के फ्लेम्स के टाइप और उसके नेम के बारे में जानेंगे। तो तीन टाइप के फ्लेम्स बनते हैं इसमें। न्यूट्रल फ्लेम होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, और तीसरा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। तीनों टाइप्स के जो फ्लेम है अलग अलग मेटल के हिसाब से यूज कर किया जाता है, यानी कि कौन से मेटल के वेल्डिंग के लिए कौन सा फ्लेम यूज किया जाता है ये डिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको आंसर देना है, और ये आंसर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला वाला तो जो है वो परफेक्ट वेल्डिंग का है, बाकी सारे डिफेक्ट्स हैं। क्रैक्स जो है, पोरोसिटी, अंडरकट, स्लैग इंक्लूजन, स्पैटर्स, इनकम्प्लीट फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ओवरलैप, ये सारे जो हैं वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हैं। यानी कि वेल्डिंग में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके लिए अच्छे से एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं चैनल पर। व्हाट फर्स्ट टू डिजिट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नंबर इंडिकेट। यानी कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में जो पहले के दो डिजिट होते हैं, जैसे 6013 है, तो शुरुआत का 60, या फिर यहाँ पर 7018 है, तो शुरुआत का 70 क्या इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट करता है मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, और वो होता है, उसकी यूनिट होती है किलो पौंड पर स्क्वायर इंच। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के नंबर के बारे में, उसके कोडिंग की मीनिंग के बारे में मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, 5 मिनट का है, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। यहाँ ऊपर में आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और ये आपको मालूम होना बिल्कुल ही जरूरी है। अगर आप एक वेल्डिंग इंजीनियर हैं या फिर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तब भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, व्हाट सेकेंड लास्ट डिजिट ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड नंबर इंडिकेट। जैसे कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का नंबर है, एग्जाम्पल लेते हैं 7018, तो सेकेंड लास्ट डिजिट क्या हुआ यहाँ पर, 1 हुआ। तो 1 क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर,
वन भी हो सकता है, किसी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में टू थ्री फोर सब हो सकता है, ये उसी वीडियो में है मेरे, मैंने जो आपको बताया। यहां पर सेकंड लास्ट डिजिट का मतलब ये होता है कि वो बताता है कि कौन से वेल्डिंग पोजिशन में इस इलेक्ट्रोड को यूज किया जा सकता है। तो सेकंड लास्ट डिजिट इंडिकेट करता है वेल्डिंग पोजिशन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है व्हाई फ्लक्स इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो आपने देखा होगा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के ऊपर में एक केमिकल कंपाउंड की कोटिंग रहती है जिसको आसानी से झड़ाया जा सकता है, वही होता है फ्लक्स। फ्लक्स का काम होता है कि वेल्डिंग के दौरान वो एक गैस की शील्डिंग प्रोवाइड करता है, साथ में खुद भी मेल्ट होकर के मोल्टन मैटर के ऊपर में फ्लो करने लग जाता है, और मोल्टन मैटर को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीडाइजिंग नहीं हो पाता मेटल का, और मेटल जो है वेल्डिंग जो है वो आपकी अच्छी मिलती है, स्ट्रेंथ अच्छा रहता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू रिमूव वेल्डिंग डिफेक्ट्स विच प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, यानी कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स को हटाने के लिए कौन से प्रोसेस को ज्यादातर यूज किया जाता है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से वेल्डिंग में डिफेक्ट्स जो है वो कम होते हैं। तो आपको वर्क पीस को पहले से हीटिंग करना है, प्री हीटिंग ऑफ वर्क पीस। अगर वर्क पीस को हम पहले से हीट करेंगे, प्री हीट करेंगे, तो आपका जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं उसके आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड एंड नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। तो कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड की। कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यानी ऐसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो खुद आर्क प्रोड्यूस भी करते हैं, यानी हीट प्रोड्यूस करेंगे, और साथ में खुद मेल्ट होते जाते हैं, यानी कि वर्क पीस को फिल करते जाते हैं अपने मेटल से, उन्हें कहा जाता है कंज्यूमेबल, यानी कि वो कंज्यूम हो रहे हैं, वो खुद भी खत्म हो रहे हैं। दूसरा होता है नॉन कंज्यूमेबल, ऐसे इलेक्ट्रोड हीट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन मेल्ट नहीं होते, ऐसे वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के साथ में फिलर रॉड यूज किया जाता है। एग्जाम्पल टीआईजी वेल्डिंग जो है वो नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड यूज होता है टीआईजी वेल्डिंग में, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेल्डिंग पोजिशन इज ऑल्सो कॉल्ड डाउन हैंड वेल्डिंग। तो कौन से वेल्डिंग पोजिशन को डाउन हैंड वेल्डिंग पोजिशन भी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्लैट पोजिशन वेल्डिंग को। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट पोजिशन वेल्डिंग का डायग्राम दिया गया है। ऐसे वेल्डिंग को करने के लिए आपको हाथ के हैंड के नीचे में वेल्डिंग करना पड़ता है, इसीलिए इसे डाउन हैंड वेल्डिंग भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो आप बिल्कुल इसका आंसर दे पाएंगे। विच वेल्डिंग इज कॉल्ड डाउन हैंड वेल्डिंग, फ्लैट पोजिशन वेल्डिंग को डाउन हैंड वेल्डिंग कहा जाता है। फॉर वेल्डिंग कास्ट आयरन एंड लो कार्बन स्टील विच गैस वेल्डिंग विच फ्लेम इज यूज्ड, मतलब कि कास्ट आयरन और लो कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए गैस वेल्डिंग से कौन से फ्लेम का यूज किया जाएगा? मैंने बताया था तीन टाइप के फ्लेम होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, कार्बोराइजिंग और एक होता है न्यूट्रल फ्लेम। तो यहां पर न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाएगा कास्ट आयरन और लो कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए। तो ये यहाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका, फॉर वेल्डिंग लो टू मीडियम कार्बन स्टील विच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम। वेल्डिंग करने के लिए लो और मीडियम कार्बन स्टील का अगर वर्क पीस है, उसको वेल्डिंग करने के लिए हम कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे E6010 का, और साथ में कर सकते हैं E6013 का। सबसे ज्यादा यूज होने वाला वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है E6013, जिसको नॉर्मल वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए कौन से वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है? तो हाई कार्बन स्टील को वेल्डिंग करने के लिए E7018 वेल्डिंग इलेक्ट्रोड को यूज किया जाता है। इसकी खासियत ये भी है कि यहाँ पर सेकेंड लास्ट डिजिट जो है वो वन है। वन का मतलब होता है ऑल पोजिशन वेल्डिंग रॉड। इस वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से हर पोजिशन में वेल्डिंग किया जा सकता है, ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट सब में। अब क्वेश्चन आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने कहा था कि अंत में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए, आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पे है। मिग वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग
इज गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग, यानी कि जो MIG वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, वो गैस वेल्डिंग है या फिर इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।